छत्तीसगढ़ की 1 करोड़ की इनामी नक्सली महिला हुई गिरफ्तार। तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद के महबूब नगर से पकड़ा। बस्तर में कई नक्सली वारदातों को दे चुकी है अंजाम। बिलासपुर में हथियार दिखाकर धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई को दिया अंजाम। आरोपी के पास से धारदार चाकू भी बरामद। ग्राम बीजा में चाकू दिखाकर लोगों को धमका रहा था आरोपी। भोपाल के कोलार में बदमाशों के हौसले हैं बुलंद। बदमाशों का तलवार लहराते हुए वीडियो आया सामने। बदमाशों ने ढाबे पर की दबंगई। तलवार लहराते ढाबा संचालक को धमकाया। ढाबा संचालक के समझाने पर करने लगे गाली गलौज। ढाबा संचालक ने दर्ज कराई रिपोर्ट। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। घटना का सीसीटीवी भी आया सामने। बैतूल में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने 6 लोगों पर चाकू से किया वार। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। अलग अलग घटना में राहगीरों को बनाया निशाना। चाकूबाजी के सीसीटीवी फुटेज आए सामने। मंदसौर के महाराणा प्रताप बस स्टैंड में 2 सब्जी दुकानदारों में हुई मारपीट। जमकर दोनों पक्षों में चले लात और घुसे। महिला को पुलिस के सामने की पिटाई। मारपीट का वीडियो भी आया सामने। इंदौर में ठगी का मामला सामने आया। बैंक मैनेजर से 27 लाख रुपए की ठगी की वारदात को दिया अंजाम। बदमाशों ने निजी मोटर मालिक के इनाम पर की धोखाधड़ी। ठगों ने बैंक मैनेजर ब्रजेश चंदमानी को फोन करके खुद को मोटर्स मालिक बताया था। डिमांड नोट भेजकर 27 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए। पीड़ित की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया केस। इंदौर के एक रिटायर्ड जज के साथ ऑनलाइन फूड कंपनी का ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा भारी। ठगों ने जज के खाते से 1 लाख रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने लिंक को क्लिक किया जिसके बाद उसके खाते से 1 लाख रुपए उड़ गए। पीड़ित की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने शुरू की आरोपी की तलाश। बिलासपुर में ग्रामीण को ट्रैक्टर से कुचलने वाला आरोपी गिरफ्तार। तेज रफ्तार ट्रैक्टर चलाते हुए जा रहा था आरोपी। 13 अक्टूबर को करही कछार में हुई थी घटना। बेल गहना थाना पुलिस ने की कार्रवाई। रतलाम के वड़ापदा गांव में पुलिस ने हत्या के मामले का किया खुलासा। पुलिस ने आरोपी बाप बेटे को किया गिरफ्तार। दोनों ने मिलकर की थी भतीजे की हत्या। पारिवारिक विवाद में बाप बेटे ने प्लास्टिक के पाइप से गला दबाकर भतीजे को उतारा मौत के घाट। मृतक के भाई थाने में की भाई ने शिकायत। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा किया। शव मिला था, क्या मामला है? बिल्कुल, बड़ौदा में एक युवक का शव मिला था। 2 दिन पुराना शव था। कल जो है 2:30 से 3 बजे दोपहर में ये सूचना आई थी। तो कल टीम्स को लगाया गया था। सारी टेक्निकल एविडेंसेस को कलेक्ट किया गया था। इसी के आधार पे 2 आरोपियों को जो है राउंड अप किया गया। एक उनके चाचा है और उनका लड़का है। दोनों की जो है विवाद पूर्व से चल रहा था। गाली गलौज करने को लेकर के लगातार विवाद चल रहा था। उसी को लेकर के एक प्लास्टिक के पाइप जो है उनकी जो है इसके गले से दबा के हत्या कर दी गई। बेसिकली पूर्व में भी जो है इनकी बीच में विवाद था। इसी को लेकर के एक अच्छी कार्रवाई की गई है। लगभग 18-20 घंटे में जो है टीम ने जो डिटेक्ट किया है और टीम प्रशंसा की बात है। भोपाल में 3 साल की मासूम के साथ अश्लील लड़का ट्यूशन टीचर के बेटे पर लगा आरोप। आरोपी सुहेल खान के खिलाफ FIR दर्ज। धारा 74 और 9/10 पॉस्को एक्ट के तहत FIR दर्ज। बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट और काउंसलिंग के बाद केस दर्ज। हिंदू संगठनों ने थाने के बाहर किया प्रदर्शन। रतलाम में दिया गया बड़ी चोरी की वारदात को